छोड़ दो, आपके काम की नहीं है यारिया। चलिए बस मैं एक डॉक्यूमेंट्स ओपन करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مختصرا معذرت ہے کہ آج تاخیر ہو گئی ہے اب جلدی سے جتنا وقت رہ گیا ہم بغیر کسی تمہید کے شروع کر رہے ہیں تو باقی کل انشاءاللہ جب پورے ایک گھنٹے کی انشاءاللہ کلاس ہوگی تو اس میں کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو وہ ہم دیکھیں گے تو یہاں یونٹ 4 ہے ہمارے سامنے ٹائپس آف سینٹینسز
यानी अकसाम जुमलों की स्ट्रक्चरली, वो स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है, सेंटेंसेस आर ऑफ फोर टाइप्स। अमूमन जो टाइप्स हैं ना जुमलों की वो चार होती हैं। जज़ाकल्ला अयाज मोहम्मद। सिंपल टेंस सेंटेंस, सादा जुमला, कंपाउंड सेंटेंस, मुरक्कब जुमला। और स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, ठहरने कर देते हैं स्क्रीन शेयर। जी आप स्क्रीन शेयर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इंशाल्लाह ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स पेचीदा जुमले और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो नामों से आपने बिल्कुल नहीं घबरा। जज़ाकल्ला स्क्रीन शेयर होने का, फीडबैक देने के लिए। तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम हमारा जहन। अच्छा, सिंपल सेंटेंस कहते हैं सादा फिक्रात को, सादा फिक्रे। ए सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव ए सिंगल क्लॉज। ये मैंने जहां कर्सर लेके जा रहा हूं यहां आपको नजर आ रहा है, सादा जुमला होता है उसमें एक क्लॉज होती है। क्लॉज का मतलब जुमला, फिलहाल समझे जुमला ही, सेंटेंस ही। ए सिंगल वर्ब, उसमें एक वर्ब होता है विच इज इंडिपेंडेंट, जो इनडिपेंडेंट होता है, एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज। तो इस सारे का खुलासा देसी अंदाज में ये है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जो एक जुमले पर, एक बात पर, एक मुब्तदा और एक खबर पे मुश्तमिल हो। जरा इसको पढ़ें जरा। जी आगे चलते हैं अब हम। तो अब इसकी मिसाल पढ़ते हैं। आई ऑलवेज, मैं मिसाल से पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल मिसाल। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर। आई, इसको ज़रा इसका एनालिसिस करते हैं जुमले का। आई का मतलब मैं, और मैं ज़मीर है, प्रोनाउन। ऑलवेज हमेशा, एडवर्ब है। वॉन्टेड वर्ब है, फेल है, और माजी का है, फेल मादी है। मैं हमेशा चाहता था। टू हरफे जारा है, प्रेपोजिशन है। बिकम फेल है, और बिकेम बिकम इसकी सूरतें हैं आगे, पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म। ए एक आर्टिकल है, राइटर इस्म है, लिखारी मुसन्निफ। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर, मैं हमेशा से एक मुसन्निफ बनना चाहता था। अब ये एक जुमला है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखे गए अल्फाज आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है वन क्लॉज और वन वर्ब, इसमें एक ही वर्ब आ रहा है। ये जो बिकम है ना, ये इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक्जुलरी फेल के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो यहाँ मुराद ले रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ एक ही है, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, चाहना कि वो ये चाहता है। अच्छा, अब ये तो था सादा जुमला। सादे जुमले के बारे में एक बात याद रखनी है कि सादा जुमला उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब हो और एक ही बात बयान की गई हो। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि भाई आई एम गोइंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, ये जो नीचे लिखा हुआ है मुरक्कब फिक्रा, फिक्रात। अच्छा, ये किसे कहते हैं? ए कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव, ज़रूर होना चाहिए एक कंपाउंड जुमले में, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें हो एक से ज्यादा जुमले, विद नो डिपेंडेंट क्लॉजेज, और उसमें डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, सबॉर्डिनेट क्लॉज ना हो। पहले समझ लें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि सादा जुमला एक जुमला है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होती है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, फाइल और फेल मौजूद हो। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो आधा जुमला हो, नामुकम्मल जुमला हो, जिसमें वर्ब नहीं कभी आता, कभी सब्जेक्ट नहीं आता, उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कंपाउंड जुमले में दो सादा जुमले होते हैं, दो जो इंडिपेंडेंट जुमले होते हैं, सादा जुमले होते हैं, सम स्पेसिफिक कंजंक्शंस, और उसमें हरूफे रब्त लाए जाते हैं, पंक्चुएशन भी आ सकती है, और बोथ आर यूज्ड, दोनों भी आ सकती हैं टू जॉइन टुगेदर दीज क्लॉजेस।
अब मिसाल के तौर पे यहाँ जुमले को देखते हैं, जुमला सुनेंगे ना तो आसान लगेगी बात। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर, ये एक सादा जुमला है। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, फेल क्या है वॉन्टेड। तो अब दूसरा जुमला देखें, इसमें एंड लगा दिया, ये हरफ रब्त है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एंड जो है ये कंजंक्शन है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंड का वर्ड है। और अब ये देखो नया इसमें सब्जेक्ट आ गया शी, फिर उसके साथ नया वर्ब ले आए वॉन्टेड, अगरचे लफ्ज वही है लेकिन वर्ब अलहदा से लाए हैं। शी वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर, वो कहता है मैं तो मुसन्निफ बनना चाहता था जबकि वो एक तबीबा बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। तो अब आगे देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो खुद मुख्तार जुमले, टू वर्ब्स। तो अब आपको क्या पता चला कि कंपाउंड वो जुमला है जब दो सादा जुमले हों और उनको हरफ रब्त से मिलाया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जुमला है। ये कौन सा जुमला है, कंपाउंड जुमला है। तो अब दो बातें अभी तक हम कर चुके हैं। पहली बात हमने ये की कि एक सिंपल जुमला होता है जिसमें एक ख्याल एक आइडिया दे दिया जाए, उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो। अच्छा, अब हमने कंपाउंड जुमले में देखा, मुरक्कब में देखा कि ये मुफरद नहीं मुरक्कब है, इसमें दो जुमले पैरेलल मुतवाजी लाए जाएंगे लेकिन दरमियान में हरफ रब्त लाकर उन दोनों जुमलों को कॉबल कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और इस तरह से बनने वाला जो जुमला कहलाएगा उसे हम कहेंगे मुरक्कब जुमला, यानी अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कल इसको दोबारा भी दोहरा लेंगे अगर बाज़ बच्चों को ये आइडिया कोई मुश्किल लगा। मुश्किल नहीं है अंग्रेजी में कोई भी चीज़, अल्लाह वालों। अब आगे हमारे सामने आ गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज़, एक पेचीदा जुमला भी रखता है, मोर देन वन क्लॉज, उसमें एक से ज्यादा जुमला होता है, बट ऑफ वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन उसमें एक तो लाजिम ऐसा जुमला होना चाहिए जो खुद मुख्तार जुमला हो, यानी जो बगैर किसी मदद के खुद ही खड़ा है, उसमें इंडिपेंडेंट वर्ब है, फाइल है, सब्जेक्ट है, एंड द अदर और अदर्स मे बी ए डिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉजेस, दूसरे जुमले हो सकता है वो आधे जुमले हों, अभी जैसा कि मिसाल में हम देखने जा रहे हैं। देयर आर ऑल्सो सम पर्टिकुलर कनेक्टर्स, और कुछ कनेक्टर्स भी उसमें लगाए जाते हैं, यानी कि कनेक्टर से मुराद कंजंक्शन ले रहा है वो, फॉर द क्लॉजेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू बी कनेक्टेड, ताकि पेचीदा जुमला बनाया जा सके। आइए ज़रा इसकी मिसाल देखते हैं ताकि आपको ये बात अच्छी तरह वाजे हो जाए। अच्छा, ये है मिसाल, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ए राइटर, कि तुम हमेशा बनना चाहते थे एक मुसन्निफ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये आई नो, ये एक जुमला है, ये पूरा जुमला आई नो, आई सब्जेक्ट है और नो मैं जानता हूँ, लेकिन अब आप ये देखें मैं क्या जानता हूँ, आगे बात तो बयान नहीं हो रही, इसलिए हम इसको पूरा जुमला नहीं कहेंगे। इसके साथ ये दैट का लफ्ज़ लगा दिया, ये भी एक कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है, इसको कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसको कनेक्टर भी कहते हैं, मिलाने वाला। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ए राइटर, ये दूसरा मुकम्मल जुमला है। अब यहाँ पढ़ें आगे, हेयर यहाँ ए डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय ए कनेक्टर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है आई नो, क्योंकि इस ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रही, इट इज़ मीनिंगलेस, ये मोहमल जुमला है, ये कोई हमें बात वाजे नहीं कर रहा, आई नो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, जब तक आगे दूसरा मुकम्मल जुमला नहीं आप मिलाएंगे, एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जो उसने कहा ना, द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो पॉसिबल, इसका मतलब वो बता रहा है कि यू ऑलवेज वॉन्टेड टू दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर आई नो, कॉमा लगाना पड़ेगा और ये जुमला ऐसे भी सेटल हो सकता है। तो अब इससे क्या पता चला कि ये जो जुमले हैं इसमें एक आधा जुमला होगा कॉम्प्लेक्स जुमले में और एक पूरा जुमला होगा, तो कॉम्प्लेक्स जुमले में एक आधा जुमला होगा और एक पूरा जुमला होगा, जबकि आप तीनों की तारीफ सुने, सबसे ऊपर आपने देखा
सादा जुमले में एक ही जुमला था, फिर आपने कंपाउंड जुमले में देखे दो सादा जुमलों को हरफे रब से मिला दिया गया, फिर अब आपने कंपाउंड जुमले को देखा एक आधा जुमला और एक पूरा जुमला। अच्छा, अब इसमें आखिरी वाली किस्म पढ़ते हैं इसकी, और वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आखिरी किस्म है, ये दोनों मिला दिए इसमें, कंपाउंड एक जुमला आ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो इससे मुरक्कब पेचीदा फिक्रा बनेगा। एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज ए मिक्सचर, ये एक खिचड़ी होती है, मिक्सचर होता है ऑफ द फीचर्स ऑफ ए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इन वन सेंटेंस। एक ही जुमले में कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाएंगे। सो इट मस्ट कंटेन, सो इसमें होने चाहिए एटलीस्ट कम अज कम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो तो इसमें खुद मुख्तार जुमले होना, और एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और एक इसमें होगी जो इनसार करने वाली क्लॉज। अब ये जुमला देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, ये हो गया डिपेंडेंट जुमला, दैट कनेक्टर आ गया, क्लॉज सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज आ गई, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए राइटर, तुम हमेशा बनना चाहते थे एक लिखारी मुसन्निफ, बट ये फिर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर। अब वो कहता है हेयर, यहाँ वन डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय ए कॉम्प्लेक्स कनेक्टर, कहता है यहाँ आई नो यादा जुमला था, डिपेंडेंट क्लॉज थी, फिर उसके आगे कहता है एक कनेक्टर दैट लगा दिया, मिलाने वाला लफ्ज लगा दिया, हरफे रब्त लगा दिया, और उसके बाद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गई विद ए कंपाउंड कंजंक्शन, और बट जो है कंपाउंड कंजंक्शन है बिटवीन देम, उनके दरमियान आ गई। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा दो तीन मिनट दोहरा लें, फिर हम इसको देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है आज का इतना ही लेक्चर, अजानें भी होने लग गई हैं, तो आप सवाल कर लें, 10 मिनट हैं अभी, तो आप ना कोई सवाल कर लें। ये इसमें जो आपको सिंपल सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, कंपाउंड नहीं समझ आ रहा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या कोई यहाँ पे जुमला नहीं समझ आ रहा, किसी का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे सवाल पूछ लें। अच्छा, ठीक,
नहीं नहीं ये याद नहीं आपने करना मिस हमारा जहन, ये आपने याद नहीं करना, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि ये बस आपको पता हो कि भाई व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस, एक सादा जुमला क्या होता है और कंपाउंड मुरक्कब जुमला क्या होता है। मसलन सादा जुमला क्या है, जिसमें एक ही ख्याल है, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, मैंने खाना खा लिया है, जिसमें फाइल है फेल है। और कंपाउंड जुमला क्या है, साथ साथ मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ, जिसमें दो सादा जुमले हैं वो आपस में मिलाए जा रहे हैं किसी कंजंक्शन के साथ। मोहम्मद साहब ने कुछ पूछा है, लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, इसकी पहली फॉर्म ये सिफत है, लिटल लेस और लीस्ट, ये मुबालिगा है, कम अज कम एट लीस्ट इकट्ठा आता है। प्लीज सेंड अस 2 मिनट ऑडियो क्लिप इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल अस समथिंग अबाउट इस्लाम, थैंक यू फॉर योर पैंट। ओके आई विल सेंड इंशाल्लाह बिफोर गोइंग टू स्लीप फॉर स्पोकन इंग्लिश। तीनों जुमलों की तारीफ दोबारा बता दें जी, तीनों जुमलों की तारीफ मिस गुल बता देते हैं कि पहला जुमला सादा जुमला होता है, उसमें एक ही ख्याल होता है और फिर फुल स्टॉप आ जाता है, जैसा कि यहाँ जुमला आया कि मैं एक मुसन्निफ बनना चाहता था, ये एक सादा जुमला है, एक फेल है, एक फाइल है। मुरक्कब जुमला जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड जुमला कहते हैं, वो होता है जिसमें दो सादा जुमले एक हरफ रब्त से मिलाए जाएं, दो सादा जुमले हरफ रब्त से मिलाए जाएं। कॉम्प्लेक्स जुमला क्या होता है, एक आधा जुमला, एक मुकम्मल जुमला, एक अद्धा जुमला होता है जनाब, वो एक पूरा जुमला होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसमें दो तो खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो जुमले होंगे और एक डिपेंडेंट आधा जुमला होगा, जैसे आधा जुमला था आई नो। जी जनाब मिस जैनब कह रही हैं सर जी, कंपाउंड सेंटेंस बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही आएगा या बाकी टेंसेस के साथ भी आएगा? नहीं जी, सिंपल के साथ ही आएगा। कंपाउंड में ये मजबूरी है कि दो सादा जुमले होंगे और उनको आप मिलाएंगे हरफ रब्त के जरिए से, तो उनसे बनने वाला जुमला मुरक्कब जुमला कहलाएगा, कंपाउंड जुमला कहलाएगा। हाँ कोई भी टेंस, और इसमें आप टेंस कोई भी यूज कर सकते हैं। सादा जुमले से मुराद ये है कि वो मादी भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ मादी का ही जुमला था, वो फेल हाल भी हो सकता है, वो फेल मुस्तकबिल भी हो सकता है, वो सारे हो सकते हैं उसमें। और ये आपको शेयर भी कर देंगे ये वाला पेज भी इंशाल्लाह आज या कल में। तो और पूछ लें सवाल, जज़ाकअल्लाह खैरन। टाइम तो चेंज कर दिया गया है, मेरे इल्म के मुताबिक टाइम 7:30 से 8:30 कर दिया गया है। और आज मैं माजत खाऊं, मैं आज ट्रैफिक में फंस गया था जिसकी वजह से मुझे आने में ताखीर हो गई। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 दिनों में इंशाल्लाह लेक्चर बर वक्त असबाक होंगे इंशाल्लाह। टाइम 8:45 से 9:30 तक है। अच्छा जी, जज़ाकअल्लाह या खयून करीम। हमें हमारे मोहतरम समी भाई, अब्दुल समी भाई फरमा रहे हैं कि टाइम 8:45 से 9:45 है, मुझे ज़रा गलत फहमी लगी है, तो 8:45 से 9:45 है। तो अभी आपके पास फिर 8:45 तक वक्त है, तो अभी तो 12-14 मिनट हैं, फिर सवाल पूछ लें जितने पूछने। मोहम्मद यूनुस साहब मेरा ख्याल है अब आपको वक्त थोड़ा सा सूट करेगा। स्पेसिफिक का मानी होता है मोहम्मद भाई खास। अदनान राज साहब क्या कह रहे हैं, सिट टू और सिट फ्रॉम में क्या यूज बता दें सर? टू और फ्रॉम, अच्छा सिट नहीं है, टू और फ्रॉम। टू का मतलब को, फ्रॉम का मतलब से। आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार को जा रहा हूं, बाजार की तरफ जा रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम बाजार, मैं बाजार से आ रहा हूं। लेकिन हरूफे जारा मुश्किल है अंग्रेजी में तर्जुमा के जरिए से समझना। तो मसलन मैं कहता हूं आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, आई बिलोंग टू ए जट फैमिली, मेरा ताल्लुक जट फैमिली से है। अब ये देखें, मैं लगा तो बिलोंग टू रहा हूं, तर्जुमा से कर रहा हूं, तो इसलिए इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर हो जाएगी आसानी। स्पेसिफिक का मानी मोहम्मद सादिक होता है खास, खास स्पेसिफिक। कॉम्प्लेक्स क्या है हबीबुर रहमान? कॉम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा,
पेचीदा जुमले होते हैं जिसमें एक आधा जुमला हो और एक पूरा जुमला हो। मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं 7:30 से 8:30 टाइम कर दें जी। अब्दुल समी साहब नोट फरमा रहे हैं, इंतजामी उमूर में उनकी बात हतमी समझेंगे जी। सर 9:45 तो नमाज हो रही है, आप मोहम्मद अनीस साहब फरमा रहे हैं आप 7:30 से 8:30 तक कर दें अगर आसानी है तो। जी बिल्कुल कर देंगे जब एडमिन इसको कंसिडर कर लेंगे। अगर नमाज का टाइम 8:30 हो रहा है, 9:45 हो रहा है, तो फिर हम 7:30 से 8:30 कर देंगे, कोई बात नहीं है जी इंशाल्लाह। तो अब्दुल समी साहब आपको इसकी कोई गुड न्यूज़ सुना देंगे। जजाकल्ला खैरन। और सवाल पूछ लें, कोई बात नहीं समझ में आ रही है आपको अंग्रेज़ी से मुतल्लिक, तो इंशाल्लाह उसका हम आपको कोशिश पूरी करते हैं कि जवाब दे। कोई माइक से भी पूछना चाहे तो माइक भी ऑन है, पूछ सकते हैं। पंक्चुएशन का तो क्या मतलब होता है मोहम्मद सादिक? उसका मतलब होता है वो जो रुमूज़ो औकाफ हैं, कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है, जैसे कुरान मजीद में भी हैं। सर नमाज के बाद क्लास का वक्त हो तो ज़्यादा बेहतर है जी। मिस हाजरा नूर या अब्दुल समी साहब नोट फरमा रहे हैं, जैसे जैसे वो सबको देख के चलते हैं तो जैसे ही अगर उनको बेहतर लगेगा, आप लोगों की भी आसानी होगी तो वो जैसे चाहेंगे तो कर देंगे। और कोई सवाल पूछ लें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। एडमिन्स के लिए मुश्किल मरहला मामला होता है, वक्त को देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, जहाँ ज़रा 100 के करीब अगर तलबा हैं तो सबको किस तरह से अकोमोडेट करना है, सबके लिए आसानी देखनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सर से कहें तकरार की कोई तरतीब हो ताकि बोलना भी तो आए। जी मुफ्ती अब्दुल समी साहब, तकरार की भी सूरत अब्दुल समी साहब ही बताएंगे आपको। अच्छा मोहम्मद अबू हुरैरा क्या है बता रहे हैं, ये वक्त ठीक है ईशा के बाद क्लास होती है, देखा ना, यही वजह है कि सबके अपने अपने मसाइल हैं। अच्छा जी मैं भी कुछ आपको ग्रुप में इंट्रो सेंड करूंगा अपना, आज ही इंशाल्लाह सेंड करता हूँ, नियत तो कर ली, अल्लाह मदद करें। कोई 2-2 मिनट का अपना तारुफ के मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मेरी बुनियादी तालीम थी, मुझे शोबाए तदरीस से वाबस्ता हुए कितना अरसा हो गया है, ताकि वो आप थोड़े मोटिवेटेड हो जाएं कि हम अंग्रेज़ी बोलेंगे। मैंने ग्रुप में देखी थी आपकी एक्टिविटी, अच्छा है, आप लोग आपस में तकल्लुम कर रहे हैं। सर अल्फाज की अदायगी कैसे बेहतर होगी, अदनान रिजवी साहब पूछ रहे हैं। अल्फाज की अदायगी अहले ज़ुबान को सुनने से होगी। मैंने अपनी तजवीद जो है वो असबाक लेने के अलावा कुरा हज़रात से, इमाम शुरैम से सीखी है, इमाम काबा से। तो जनाब आपको अंग्रेज़ी में मैंने बताया था, अर्ज़ किया था, एक एप्लीकेशन है टेड टॉक, उसको डाउनलोड करें, ये डाउनलोडेबल ऐप है टेड एक्स के नाम से। जब आप जाएंगे वहाँ प्ले स्टोर में तो ये टेड एक्स के नाम से आ जाएगी, 10-15 मिनट की तकरीर है अंग्रेज़ी में, तो आपने वो सुन लेनी है, सब टाइटल ऑन कर लेना है, नीचे अंग्रेज़ी लिखी भी आए, हैंड फ्रीज लगा लेने हैं आपने, ताकि आपको वहाँ अल्फाज पता चलें। दूसरा इसका अल्फाज की अदायगी की बेहतरी गूगल है, तो पीर गूगल मौजूद है वहाँ, जो जब भी कोई हर्फ आप लिखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक बाजा सा बना हुआ आता है, उसको क्लिक करें तो गोरा गोरी आपको बोल के बताएंगे कि ये लफ्ज़ इसको कैसे इसकी अदायगी करनी है। सर ये नाम लिखकर भेज दें तो आपकी नवाजिश होगी। सर नवाजिश पहले ही हो चुकी है मोहम्मद अहमद साहब, वो लिख के भेज चुका हूँ मैं, ऊपर लिखी हुई है टेड एक्स। मेरा ख्याल है कि तलबा आपस के सलाह मशवरे से एक वक्त मुअय्यन कर लें, आपस में गुफ्तगू करें। हाँ जी मदारिस में यही तरतीब होती है, तो ये एडमिन से आप इजाज़त पेशगी ले लें, जैसे वो ग्रुप को ओपन करेंगे मसलन 1 घंटा, मेरा ख्याल उन्होंने कोई तरतीब बनाई थी, तो आप उसमें आपस में तकल्लुम कर लें और फिर मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ दीजिएगा जहाँ कोई मुश्किल होगी। तो वो ज़्यादा वोकेबलरी के अल्फाज में मैंने देखा है तलबा की दिलचस्पी होती है, मसलन मुझे याद है एक लफ्ज़ आ रहा है मुअज़्ज़िन की, अंग्रेज़ी आपस में बहस चल रही थी, तो मुअज़्ज़िन को मुअज़्ज़िन ही कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्योंकि ये हमारा मारिफा लफ्ज़ है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। वैसे अंग्रेज़ को अगर मुअज़्ज़िन कहेंगे उसको नहीं समझ में आएगी, उसको फिर हम अंग्रेज़ी में समझाएंगे, द पर्सन हुज जॉब इज़ टू कॉल फॉर प्रेयर, जो नमाज के लिए पुकारता है, तो उसको समझाने के लिए। वैसे मुअज़्ज़िन को मुअज़्ज़िन ही कहते हैं, प्रेयर कॉलर भी बस असाब कह रहे थे, लेकिन वो ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है डिक्शनरी में, आपको मुअज़्ज़िन ही मिलेगा, गूगल आपको मुअज़्ज़िन ही बताएगा। इसके अलावा आपको तफासीर में
भी मुअज्जिन ही मिलेगा जहाँ पे कोई तशरीह होगी, वीडियो के ज़रिए हो तो काफ़ी बेहतर होगा जनाब। अब ये तो एडमिन साहब भी बताएंगे कि वीडियो कहाँ चलानी है और कहाँ नहीं चलानी, तो इंशाल्लाह ये उमूर देख लिए जाएंगे। आप अपने तौर पे हिम्मत बस रखें और कोशिश अपनी पूरी रखें ताकि आपको ये थोड़ा सा वक्त इंशाल्लाह लगेगा, उसके बाद आपकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये है कि एक अंग्रेज़ी का अखबार ख़रीद लिया करें इतवार का, उसमें 100 पेजेस होते हैं तकरीबन, 60-70 सफ़ात होते हैं, वो एक सफ़ा खोलेंगे ना आप तो आपको उससे बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। नंबर वन, किताब ख़रीदेंगे, किताब 1000 रुपये की है, अखबार 25 रुपये का है, अंग्रेज़ी का शायद 40 रुपये का अखबार हो गया, महंगा हो गया सफ़ा। उसमें फ़ायदा ये है कि अखबार में सब कुछ है, सियासत भी है, दीन पे भी आर्टिकल आते हैं, इवन स्पोर्ट्स भी है, फैशन भी है, और उसमें कारोबार की खबरें भी हैं, सब कुछ है, ऑल इन वन। और अखबार में आप स्पेलिंग का आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, जो मौलवी साहब की कमज़ोरी है सबसे बड़ी, आप पढ़ेंगे लोड शेडिंग, आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, तो आपको स्पेलिंग भी बेहतर होंगे, तो काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। पूरा अखबार महीना चलाएं, रोज़ा हर दफ़ा ना खरीदें। जी माइक पे सवाल ले लेते हैं जी, पूछें जी सवाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सर जी मेरा मशवरा ये था कि ग्रुप के अलावा, जो हमारा ग्रुप खुलता है रोजाना, उसके अलावा जिन साथियों के पास जो भी वक्त है यानी फुर्सत है, उनमें से हम या आपस में ही वक्त मुतय्यन कर लेते हैं कि इस वक्त 15 मिनट या आधा घंटा हम में से खुद ही सब अपना अपना जूम खोल लेंगे, कोई एडमिन बन जाएगा और कोई होस्ट बन जाएगा और कोई जो है उसमें मेजबान बन जाएगा और मेहमान बन जाएगा, और आपस में एक दूसरे से सवाल किया करें, और यानी जो टूटी फूटी इंग्लिश हो आपस में, ताकि वो जो खौफ है दिल में वो निकले। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज नोट कर ली गई है, एडमिन्स ने नोट कर ली है, वो चाहे उसके लिए अलग ग्रुप बनाए या इसी को खोलें, तो इंशाल्लाह इस पे अमल हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। अच्छी शुक्रिया जी। और सवाल पूछ लो, अभी 4 मिनट है हमारे पास, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। चले 2 मिनट ले लेते हैं, अगर कहीं 9:15 नमाज है, अजान की आवाज आ रही थी, तो 2 मिनट में बस मुकम्मल कर लेते हैं। कोई और सवाल है, आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं बस, तो पूछ लें। अच्छा कोई सवाल नहीं है, कोई लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, मेरे ख्याल आप कोई सवाल नहीं है, तो कल हम इंशाल्लाह जी, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, तो जिन्होंने सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम मोहम्मद नवान अब्बासी एंड वांट टू आस्क अबाउट डू एंड डज। यू टोल्ड अस बिफोर द यूज ऑफ डू एंड डज बस, बट I want to ask, maybe use of do is for he, she, it, and singular name, sir? Yes, you are right, sir. In present simple sentence. Singular name. Okay, sir. Singular name, he, she, it, third person, simple present tense. And does, and do is used with plural. I is also. I, we, you, they, in interrogative sentences and in negative sentences. For instance, I do not go, do I go? He does not go, does he go? You are right. जी, okay, thank you, sir. Well, sir, inshallah. अच्छा आपके EMR Wordsworth का टेस्ट भी होना है इसी वीक में। हाँ जरा कल EMR Wordsworth देख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी कोई सवाल रह गया ना तो वो ग्रुप में भेज देना, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जवाब दे दूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन, अहसन अल जज़ा फिद्दारैन, फी अमानिल्लाह।